सारे उत्तर पूर्वी राज्यों में किसी को काम करने नहीं देते हैं, मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, सिक्किम में। सिक्किम में जाकर दार्जिलिंग पैक्ट होता है और दार्जिलिंग पैक्ट से तृणमूल कांग्रेस कहती है हम जगदीप धनखड़ के खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, हम एब्स्टेन करेंगे, हम वोट नहीं देंगे। ये तो दार्जिलिंग पैक्ट था और दार्जिलिंग पैक्ट में धनखड़ साहब थे, ममता बनर्जी थी और वाइसरॉय, भारत के वाइसरॉय गुवाहाटी में जो शासन करते हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा थे। तो ये सिर्फ असम के मुख्यमंत्री नहीं है, ये बीजेपी के खलनायक हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस से सब कुछ बाकर। अगर मीर जाफर के बाद कोई है तो हेमंत बिश्वा शर्मा है। ऐसे तो मीर जाफर एक और है, वो आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, जम्मू और कश्मीर में भी है मीर जाफर है। ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के एक मीर जाफर है, इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होना जरूरी है। आज हम खत लिखे हैं, ये मांग हम संसद में करेंगे, जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा नवंबर में, संसद के अंदर भी मांग उठाएंगे। हमें इस दबाव को बरकरार रखना होगा क्योंकि ये किसी सरकार को रहने जीने नहीं देंगे, किसी विपक्ष सरकार को जीने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में बाढ़ आ रही है और असम के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं ऑपरेशन कमल।